हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.9। सो यहाँ पर भी आपको वही करना है जैसे हमने पूरे चैप्टर में किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। बस यहाँ पे यूनिट अलग है, जिससे यहाँ पे कैपेसिटी के ऊपर होगा, मतलब सब कुछ लीटर और मिलीलीटर के ऊपर आपका एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। सो बाकी सब सेम है। एंड देन आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी, है ना, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.9। यहाँ पे देखिए ऐड द फॉलोइंग, तो ठीक है, तो कैसे हम, तो जैसे हमने ऐड किया है वैसे ही लीटर और मिलीलीटर का भी करेंगे। ऊपर लिखेंगे ये नंबर, उसके नीचे ये नंबर, और दोनों को करेंगे प्लस यानी ऐड, ठीक है। ऐसे आपको ये सारे करने हैं, तो अब आप आराम से कर सकते हैं, हमने बहुत इसकी प्रैक्टिस कर ली है। उसी तरीके से फिर आता है सब्ट्रैक्शन, यानी वो भी ऐसा ही है। बस आपको याद रखना है कि हमेशा जो बड़ा नंबर है वो ऊपर होगा और छोटा नंबर नीचे होगा, मतलब इस नंबर को ऊपर लिखेंगे देन इस नंबर को नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम भी दिया है। फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करो, है ना, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, है ना, ऐसे होता है। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है ना, वही है बड़ा नंबर भी और वही ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो यही है, और आप आराम से इसको सब्ट्रैक्ट करिए जैसे हम सिंपली करते आ रहे हैं, पूरे यूनिट में हमने यही किया है। तो हम अब आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम यहाँ पे, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन, हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए, मिसेस शर्मा ने खरीदा 1 लीटर 350 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। उन्होंने मॉर्निंग में इतना मिल्क खरीदा, है ना, आफ्टरनून में इतना खरीदा एंड इवनिंग में इतना खरीदा। तो तीनों नंबर दिया है, ये मॉर्निंग, ये आफ्टरनून और ये इवनिंग, है ना, इतने इतने मिल्क मतलब उन्होंने खरीदे। सो हाउ मच डिड शी बाय, तो अब टोटल उन्होंने कितना खरीदा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें करना है एडिशन, है ना, मिल्क बॉट इन द मॉर्निंग, मिल्क बॉट इन द आफ्टरनून और मिल्क बॉट इन द इवनिंग, और तीनों को प्लस करेंगे टोटल मिल्क। ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नंबर बी, अ ड्रम कंटेन्स, एक ड्रम में जो जिसमें हम पानी भर के रखते हैं ना, वैसा एक ड्रम है, उसमें जो है 56 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, इतना वो कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो इतना वाटर है उसमें, पर उसके साथ साथ 43 लीटर एंड 220 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, तो उसके साथ जो है इतना पानी और किसी ने ऐड कर दिया। नाउ हाउ मच वाटर डस इट कंटेन, मतलब अब उसमें कितना पानी है। तो देखिए ये भी एडिशन ही है, क्योंकि देखिए पहले उस ड्रम में इतना पानी था, उसके साथ फिर प्लस कर दिया गया इतना पानी, कितना पानी, ये जो दिया है 43 लीटर 220 मिलीलीटर, इतना और उसमें डाल दिया, तो अभी टोटल कितना है, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लस करेंगे। एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो इसको इससे प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि अभी उस ड्रम में कितना पानी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सी अ पेंटर बॉट, एक पेंटर ने खरीदा, कितना खरीदा, 560 मिलीलीटर ऑफ पेंट, एक पेंटर ने इतना पेंट खरीदा, ठीक है, तो ये मेजरमेंट है पेंट का। देन ही यूज्ड, उसने उसमें से यूज़ किया 7 लीटर 450 मिलीलीटर। देखिए सारे वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप समझ लेंगे ना तो बहुत ही ईजी है। तो देखिए पेंटर के पास इतना पेंट था, उसमें से उसने इतना यूज़ कर लिया, तो अब कितना बच गया, तो ये बहुत ही सिंपल है। जब हमें बचे हुए के बारे में ढूंढना होता है तो वो सब्ट्रैक्शन होता है, है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो टोटल पेंट है, इतना पेंट था उसमें से इतना यूज़ हो गया, तो अब बचा कितना, तो इस नंबर से इस नंबर को करेंगे माइनस, और जो आंसर होगा वो है लेफ्ट पेंट या पेंट लेफ्ट, ठीक है, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका नंबर डी, अ कार वॉज फिल्ड विथ, एक कार में जो है इतना पेट्रोल भर दिया गया है, 20 लीटर 300 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल, है ना, एंड इतना भरा हुआ था पेट्रोल उसमें, और उसमें से 14 लीटर 850 मिलीलीटर वॉज यूज इन द जर्नी। जर्नी मतलब वो कहीं यात्रा कर रहे थे कार में, तो इतना जो है यात्रा में उनका खर्च हो गया, ख़त्म हो गया पेट्रोल, इतना खाली हो गया, यूज़ हो गया, ठीक है। सो अब हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट, तो अब कितना पेट्रोल बच गया, तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इतना पेट्रोल उस ड्राइवर ने भरा था अपने गाड़ी में, कार में, फिर उसने गाड़ी चलाया, है ना, जर्नी किया उसने, मतलब यात्रा की, और उससे जो है इतना पेट्रोल ख़त्म हो गया,
तो अब कितना बच गया, तो यहाँ पर भी आप करने वाले हैं माइनस सब्ट्रैक्शन, है ना। टोटल पेट्रोल से यूज्ड पेट्रोल को करेंगे माइनस और आपको मिल जाएगा लेफ्ट पेट्रोल। अब देखते हैं नंबर ई, सरोज ड्रिंक, सरोज कैन ड्रिंक 1 लीटर 50 मिलीलीटर वाटर एट वन गो, बट अनूप कैन ड्रिंक ओनली 725 मिलीलीटर। तो अभी ये दो बच्चे हैं, एक सरोज है और एक अनूप है। तो सरोज जो है एक ही बार में इतना पानी पी सकता है, एट वन गो मतलब एक ही बार में, मतलब जैसे पानी पीने बैठा है तो एक ही बार में इतना पानी वो पी सकता है, पर अनूप तो उससे कम पी सकता है, वो सिर्फ 725 मिलीलीटर ही एक बार में पानी पी सकता है। सो अब हाउ मच मोर वाटर कैन सरोज ड्रिंक देन अनूप। तो सरोज जो है ज़्यादा पी रहा है ये हमें पता है ना, और अनूप थोड़ा सा कम पीता है एक ही बार में, ठीक है। तो अब सरोज कितना ज़्यादा पी रहा है अनूप से, तो इसमें क्या है, सरोज और अनूप का जो पानी का लेवल है पीने का, उसका डिफरेंस पूछा है कि ज़्यादा सरोज अनूप से कितना ज़्यादा पीता है। तो जब डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है ना, तब भी हम करते हैं माइनस सब्ट्रैक्शन। तो सरोज जो ड्रिंक करता है इससे माइनस करेंगे अनूप ने जितना ड्रिंक किया, तो आपको जो गैप मिलेगा ना वो डिफरेंस होगा, और वही होगा कि सरोज इतना ज़्यादा पानी पीता है अनूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर एफ, वासुस वाटर बॉटल कंटेन्स, वासु का जो वाटर बॉटल है उसमें 2 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। उसमें 2 लीटर पानी था, ही ड्रैंक, उसने पिया 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर बिफोर लंच ब्रेक। तो उसने लंच ब्रेक के पहले 250 मिलीलीटर पानी पिया, टोटल 2 लीटर था, उसमें से लंच ब्रेक के पहले 250 पिया, ठीक है। एंड ड्यूरिंग लंच ब्रेक में उसने 180 लीटर पिया, और घर लौटते रिटर्निंग होम मतलब घर लौटते 190 मिलीलीटर पानी पिया। तो अब उसके वाटर बॉटल में कितना पानी लेफ्ट है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। देखिए टोटल उसके बोतल में 2 लीटर था, तो 2 लीटर से हमें करना है माइनस। सो 2 लीटर टोटल पानी उसके पास था, उसमें से आपको माइनस करना है कि उसने कितना पानी पी लिया, पर वो जो कितना पानी पी लिया है वो तीन बार में दिया गया है, एक 250 ml, 180 ml और 190 ml, तीन टाइम में उसने पिया है। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि टोटल कितना पानी उसने पिया है, तो 250 प्लस 180 प्लस 190 करेंगे तब आपको मिलेगा कि उसने टोटल पानी कितना पिया है। तो इन तीनों को आपको प्लस करना है और जो आंसर होगा वो है टोटल पानी जो उसने पिया है, ठीक है, उसको आप माइनस करेंगे टोटल वाटर बॉटल में कितना पानी था 2 लीटर में से, उस नंबर को आप माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा कि अब वाटर बॉटल में कितना पानी बच गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, सबसे पहले आपको पानी जितना यूज़ हुआ है उनको ऐड करना है और 2 लीटर वाटर से कितना पानी पी लिया उसको माइनस करना है, तब आपको मिलेगा इसका आंसर। सो इसी तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।